टू दिस जेंटमैन हियर हेलो सर क्या नाम है आपका आप बैठे रहिए सर ऐसा कोई वो नहीं एंड टू ऑफ यू टुगेदर हियर द टू ऑफ यू टुगेद वर्किंग फॉर योर वाइफ इज इन टू मीडिया अच्छा तो आप अपने वाइफ के साथ आए हैं कोई बात नहीं लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते वाइफ सॉरी आपका क्या नाम बताया आपने यू आर वर्किंग इन मीडिया राइट अच्छा ठीक है हाँ तो आपने तो ऐसे एक्सप्लेन ही कर दिया एंड हाउ लॉन्ग बीन ये जेनजी की थोड़ी थोड़ी घबराह है 20 बीस हमारे तो बीस दिन नहीं चल रहे भाई एंड ब्रदर इफ यू माइंड मी आग बैरिज और अच मैरिज इट्स अरेंज मैरिज कोई बात नहीं, लाइफ में आपसे नौ आते ही रहते बिकॉज अरेंज मैरिज में तो यही होता है ना कि आर यू आर रिचर ओ वो क्या बात है सर आपने तो असली, असली आटा साटा आपने कर लिया सर ये तो सर स्वैगर सर आपके लिए रेस्पेक्ट आ रहा है बट ट्वेंटी ईयर्स यू गैस मैरिड कैसा कैसा चल रहा है ऑल गुड कोई पूछता ही नहीं है ना ये तो इसलिए मैं पूछ ले रहा हूं आपसे कि बट जस्ट क्यूरियस आप यू गैस स्टे बायर सेल्फ या आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं मीरा रोड में रहते हैं ये तो मतलब आपने कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया कि <laughs> पेरेंट्स के साथ ही ना हाँ फिर तो ठीक ही चल रहा होगा बट कैन वी राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस गाइस या फॉर बीइंग अ नाइस स्पॉट नो सी द रीजन आई वाज आस्किंग वाज आई एम मैरिड मैं शादीशुदा हूं uh, uh, यहाँ पे टोटल कितने लोग मैरिड है बाय द वे मेक सम नॉइज चलो कुछ आ, एक सर तो कुछ ज्यादा ही मैरिड है uh. <laughs> बट एंड आई एम मैरिड आई आई मैं एक रिलेशनशिप में था फॉर नाइन ईयर्स आई वॉज इन रिलेशनशिप विध मई गर्ल फ्रेंड फॉर नाइन ईयर एंड देन आई गॉट मैरिड टू हर ओनली बताना पड़ता है कभी कभी ऐसे नौ साल कहीं और फिर कहीं और रॉन्ग नंबर लग जाता है बट आई यू नो बट यू नो नाइन ईयर्स वी डेटेड वी आर रिलेशनशिप फॉर नाइन ईयर्स एंड देन वी आर वी मैरिड फॉर सिक्स मोर इयर्स तो पंद्रह साल हमारे भी हो गए सर फ्रॉम टाइम टू टाइम लुक रोमांटिकली इन टीचर और हम सोचते हैं कि हम तो एक दूसरे की जवानी खा गए कुछ देखने को मिला ही नहीं बट <laughs> uh, होता है पता है ना क्या होता है जैसे ये यंग कपल जो होते हैं रिसेंटली मैरिड कोई है क्या कोई नई नई शादी जिसकी हुई है ऐसे सिचुएशन में कोई खुद नहीं बोलता बस दूसरे लोग ही पॉइंट कर रहे होता है कि ये ही हुई है इसकी <laughs> नीटली मैरिड हुआ है क्या नाम है सर आपका Karan. टू ईयर्स बैक करन आपकी शादी हुई है कैसा चल रहा है सब सब बढ़िया चल रहा है अभी टू ईयर्स बैक ना तो फिर तो टू ईयर्स न्यू मैरिज ना लाइक हनीमून फेज यू नो की नो फार्टिंग इन फ्रंट ऑफ फ्यूचर राइट राइट सर आपके तो 20 साल हो गए सर आप तो कहां ही तो, तो सर, सर, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाता है साल? हो, अभी कि इसने 20 बोला था मैं 19 बोल रहा हूँ सर ये तो आप में बहुत दिख रहा है आपने एक साल मैम आप ऑप्टोमिस्टिक रहने दो भाई साहब को आप अगले एक साल में ही रोकने की कोशिश करो बट नहीं सर सी यू आर ऑल्सो मिलेनियल कपल है एंड है, और मिलेनियल कपल बहुत ही दिक्कत होती है क्योंकि हम दोनों ही तो लड़कियों को बड़ा करते वक्त बोलते थे कि, you know, खाना बनाना चाहिए तुम्हें घर संभालना आना चाहिए और लड़कों को बड़ा करते वक्त बोलते थे हाँ तू घटिया से रह जा कुछ फर्क नहीं पड़ता फिर अचानक से लगा फेयरनेस होनी चाहिए फेयरनेस होनी चाहिए

तुम्हें खाना है हाँ मुझे पानी उबालना आता है <laughs> बहुत ही ओपनिंग करो तो जाएगी कहा uh, आपकी भी शादी में ऐसा होता होगा एक छोटे से कॉम्पिटिशन चल रहा होता है टू कन्विंस कि दूसरा इंसान ज्यादा फोन से ऑब्सेस्ड है अपना फोन पूरा तीन घंटे स्क्रॉल करते के रखते ही यार तुम पूरा टाइम फोन पे लगे रहते हो ना मजा आता है अंदर से बोलने में ना लाइक <laughs> like मैं जैसे पूरा टाइम ही यूट्यूब पे ही रहता हूं खत्म कर दिया मैंने सारे वीडियोस देख लिया उनका फोन आ गया कि भाई साहब बंद करो हमें आप ही के चक्कर में अलग अलग डालने एंड वाइफ शी इज डूइंग द सेम थिंग फॉर इंस्टाग्राम ऑलवेज स्क्रोलिंग एवरी हर रात को हर रात को मेरा आखिरी विजुअल होता है कि एक पिच डार्क रूम और फोन का बैकलाइट बस उसके चेहरे पे जा रहा होता है और यूं यूं कर रही होती है ऐसा लगता है किसी को टीका लगा रही है वो पूरा टाइम लाइक शी विशेष दो दो अंगूठे होते कि <laughs> दो फोन में साथ में बट बट सर आपको ये कंसेप्ट ऑफ द शो के बारे में तो पता ही होगा आपको पता आइडिया है सर थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा बहुत सर भाई बीवी से डांट पड़ेगी सर हां बोल लो सर <laughs> उन्होंने अभी देखो कितना बढ़िया से मेरी शादी हुई थी कर दिया था बट देखो इंडिया में ना अलग अलग टाइप की शादियां होती रहती है काफी क्योंकि शादी हमारे लिए में अपने में एक कस्टम बहुत अलग अलग चीजें हैं जैसे स्वयंवर होता है ना आप गए सर किसी स्वयं कहीं कहीं गलती से नहीं कभी नहीं गए स्वयं तो पता होगा ना सर फॉर इंस्टेंस अगर आपको स्वयं में जाना होता लाइक फॉर इंस्टेंस इफ यू टू विन योर वाइफ इन अ स्वयं कॉम्पिटिशन लगवाते खराब देने का आ। <laughs> नहीं नहीं पता आप सोच लीजिए कोई टेंशन नहीं है? आप मैम आप क्या कंपटीशन करवाते कि सर जीत जाए हाँ, चा, आप चाहते नहीं कि वो जीते है। <laughs> ना आप में लग रहे अच्छे सिंगर है कोई बात ही लाइफ में दर्द आपको काफी काफी चीजें सिखा देता है और बट सर बहुत अलग अलग टाइप के यू you नो know, इंडिया में शादी पकड़िया शादी करके कंसेप्ट होता है पकड़िया शादी का कंसेप्ट पता है आपको सर जैसे यूपी बिहार साइड में थोड़ा ये डाउरी का अगेंस्ट कस्टम फॉलो करने के लिए कि किसी भी आदमी को ऐसे कोई आप जैसे गए सर बाहर गए दूध दूध लेने के लिए आप गए पकड़ के शादी करवा दिया आप सर देख लीजिएगा ऐसा, ऐसा। और मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छा कस, कस्टम है ये क्योंकि मेरे बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोस्त तो वो तो लुक फॉवर टू तो कर रहे हैं वो इस चक्कर में घूम के आ गए दो बार चक्कर की क्या है? कोई पकड़ के शादी के लिए ले ही नहीं जा रहा सिमिलरली सर ये आटा साटा शादी का कंसेप्ट है जो पूरी यू नो सीरीज इज बेस्ड ऑन इट यू नो जिसमें यू नो दू सिस्टर ब्रदर कॉम्बिनेशन और एक के एक के बहन के साथ एक के एक के भाई के साथ ऐसे वाला कस्टम हो रहा है फुल एकदम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने देखा है फैक्टर्स में मैथ्स में आपने पढ़ा था वैसा वाला कस्टम हो रहा है बट इश्यू पता क्या है जैसे इंडियन शादी में ना दोनों लोग अल्फा नहीं हो सकते आल्फा, आल्फा का कस्टम पता है यहाँ पे किसी को क्या होता है अल्फा मेल क्या होता है Brother, आप नॉट कर रहे हो आपको आइडिया है एल्फा कौन होता है हाँ <steer> <easy> <smart> आप क्या होते हैं एल्फा मेल ब्रदर मोस्ट स्ट्रॉगर इजी टू टेक डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग आप एल्फा हो क्या भाई <laughs> आप आप तो घबरा ही गए कि मैं तो सीरियल में भी अल्फा नहीं हूं भाई मैं <laughs> <laughs> मैं तो हर जगह मैं बीटा के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा बट बट यही दिक्कत है बताया कि अल्फा कभी भी एक कपल में दोनों नहीं हो सकते ना क्योंकि देखो इंडिया में ऐसे होता है जैसे जो लड़के लोग होते हैं वो बचपन में ना बहुत होते हैं और वो जितना एज होता रहता है वो एकदम सारे पापाओं को देखा दबे दबे से ऐसे से बैठे रहते हैं और विमेन जनरली उल्टा होता है यू नो दैट वेन दे आर यंग ज्यादातर वेमेन आर यू नो मोर लिस्निंग टू देर पेरेंट्स एंड ऑल वो लोग दबा दबा के रखते हैं और उसके बाद वो एज के साथ यू you नो know, हर सीरियल में जैसे सास का कैरेक्टर होता है तुम कहां जा रहे हो वाला

आपस में लड़ाई होती है तो दुनिया से ज्यादा सही रहता है सो ऑन दैट नोट यू नो ऑन एंडिंग नोट आई जस्ट विश यू रीतन राघव यू नो कि आप लोगों के लिए भी ये काफी टसल होने वाला है इंटरेस्टिंग बट उसका बहुत फायदा भी हो सकता है एंड कैन वी हैव अ राउंड ऑफ प्लॉज फॉर दीज गाइज यू नो फॉर दिस जर्नी अहेड थैंक्स एवरी बडी थैंक यू थैंक्स यूंस गाइज गे